सो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एक AI टूल को यूज करके किसी भी तरह के फोटोज का बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगा, वो भी बस वन क्लिक में। तो आपको भी इस वाला ऐप चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको इसका नेम मिल जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर हमारे AI टूल वाले ऐप को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा AI टूल वाला ऐप ओपन हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर सिंपल से स्टार्ट फ्रॉम फोटोज पे टच कर देना है। फिर आप जिस फोटो को भी एडिट करना चाहते हो उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। फिर इस फोटो के अंदर आप AI टूल की मदद से बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इंस्टेंट बैकग्राउंड वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर कितने सारे फोटोज एडिट होकर तैयार हो चुके हैं। तो आपके इनमें से जो भी फोटो सही लगे उसको सिंपल से टच कर देना है। तो आप किसी भी फोटो को टच करोगे तो उसके अंदर आपको उसके रिलेटिव चार और फोटोज मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से भी कोई फोटो सही ना लगे तो यहाँ पर आपको जनरेट फॉर मोर पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर और भी चार फोटोज एडिट होकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको इनमें से भी कोई फोटो सही ना लगे यहाँ पर आपको सिंपल से जनरेट फॉर मोर पे टच कर देना है। तो और भी चार फोटोज यहाँ पर आपके सामने एडिट होकर तैयार हो जाएंगे। तो इनमें से भी कोई फोटो सही ना लगे तो फिर से भी जनरेट फॉर मोर पे टच करके और फोटोज एडिट करवा सकते हो। अब इसे डाउनलोड करना है तो मैं इस वाले फोटो को टच कर लेता हूँ क्योंकि यह फोटो थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद आपके ऊपर सिंपल से एक्सपोर्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको सेव टू गैलरी कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर डाउनलोड भी हो चुका है और आपको यहाँ से थोड़ा बैक लेना है। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इवेंट, मूड, इंटीरियर, टेक्सचर, आपको कितने सारे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इनमें से भी कोई सा भी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ऐड कर सकते हो अपने फोटो के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल से ये हेलोविन वाले को ऐड कर लेता हूँ। फिर आपके यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी आपको चार फोटोज मिल चुके हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई फोटो सही ना लगे तो यहाँ पर आपको सिंपल से जनरेट फॉर मोर पे टच कर देना है तो और भी चार फोटोज आपको एडिट होकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं इनमें से भी इस वाले फोटो को चूज कर लेता हूँ क्योंकि यह फोटो भी थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद आपके ऊपर सिंपल से एक्सपोर्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसे भी सेव टू गैलरी कर देना है। तो यह भी हमारा फोटो सेव हो चुका है। और आपको यहाँ पर और भी एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने जितने भी बैकग्राउंड है और सबके अंदर फोटो एडिट करने का सेम प्रोसेस है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप चाहो तो अपना खुद का भी लिख के बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपके यहाँ पर सिंपल से चर्च वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ पर आपको क्रिएट अ बैकग्राउंड वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर एक योर सब्जेक्ट राउंड लिखने का स्पेस मिल जाएगा, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ पर आप लिख देना है माउंटेन एंड रिवर। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि जो भी बैकग्राउंड के अंदर ऐड करना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गार्डन। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर राइट वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर एडिट होकर तैयार हो चुके हैं, मतलब कि अपने खुद के हिसाब से भी आप बैकग्राउंड इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर इनमें से भी कोई बैकग्राउंड सही ना लगे तो आपको फिर से भी जनरेट फॉर मोर पे टच कर देना है। तो और आपको चार फोटोज यहाँ पर एडिट होकर तैयार हो जाएंगे। इनमें से आपको जो भी फोटो सही लगे उसको सिंपल से चूज कर लेना है। तो मैं इस वाले फोटो को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपके ऊपर सिंपल से एक्सपोर्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसे भी सेव टू गैलरी कर देना है। तो आप देख सकते हो ये भी हमारा फोटो सेव हो चुका है। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक और एक प्यारे से कमेंट करना ना भूले। और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।